राहुल गांधी जी को तो खेती में, जिस व्यक्ति को भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क पता नहीं चलता, गेहूं के पौधे में और जो है चावल के पौधे में फर्क पता नहीं चलता, वो खेती की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको सुहाती नहीं है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके अभी 2-3 महीने चुनाव में सिमटने वाली है, उन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा है। ये लोग जो वैक्सीन को लेकर के राजनीति कर रहे थे, ये राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके लीडर का आपने जिक्र किया, उसके अतिरिक्त भी जिनको राजनीतिक चौसर पर जनता ने नकार दिया, जिनकी राजनीतिक जाजम समाप्त हो गई या होने वाली है, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके अभी 2-3 महीने चुनाव में सिमटने वाली है, उन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा है। देश के किसान, देश भर का किसान, एक सीमित क्षेत्र के एरिया के लोगों को छोड़ दें, बाकी देश भर के किसान कहीं भी आंदोलन तक नहीं है। आज जैसलमेर जिले में 1 लाख से ज़्यादा किसान परिवार है, आपको कोई सड़क पर एक भी दिखाई देता है क्या? ये खून की खेती, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तो खेती में, जिस व्यक्ति को भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क पता नहीं चलता, गेहूं के पौधे में और जो है चावल के पौधे में फर्क पता नहीं चलता, वो खेती की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको सुहाती नहीं है। केंद्र सरकार बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं है। ये कानून, देश की कृषि नीति जिस डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट पर आधारित है, उसी के आधार पर, उसी की अनुशंसा के आधार पर बनाए गए हैं, देश भर के किसान संगठनों की मांग के आधार पर बनाए गए हैं। देश भर के किसान संगठन आज भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ये राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके लीडर का आपने जिक्र किया, उसके अतिरिक्त भी जिनको राजनीतिक चौसर पर जनता ने नकार दिया, जिनकी राजनीतिक जाजम समाप्त हो गई या होने वाली है, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके अभी 2-3 महीने चुनाव में सिमटने वाली है, उन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा है। देश के किसान, देश भर का किसान, एक सीमित क्षेत्र के एरिया के लोगों को छोड़ दें, बाकी देश भर के किसान कहीं भी आंदोलन तक नहीं है। आज जैसलमेर जिले में 1 लाख से ज़्यादा किसान परिवार है, आपको कोई सड़क पर एक भी दिखाई देता है क्या? ये खून की खेती, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तो खेती में, जिस व्यक्ति को भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क पता नहीं चलता, गेहूं के पौधे में और जो है चावल के पौधे में फर्क पता नहीं चलता, वो खेती की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको सुहाती नहीं है। जिस तरह से राजनीति, हर एक विषय में राजनीति की दृष्टि से देखना, जोड़ना और उससे अपने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने की नीयत से जिस तरह से इसको लेकर के भ्रम फैलाया गया, ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया के पहले ऐसे 4 देश जिन्होंने अपनी वैक्सीन बना करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम लिया, हम उसमें से एक हैं। हमारे लिए, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसी वैक्सीन जो हमने डेवलप किया, उसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों पर लगाने के लिए जो काम कर रहा है देश, वो भारत है। हम लोगों के लिए और गर्व का विषय यह है कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन हमने बनाने में कामयाबी प्राप्त की है और दुनिया की सबसे स्टडी वैक्सीन बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। आज देश भर में बहुत तेजी के साथ पिछले 3 दिन से वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और कहीं कोई भी किसी तरह का एडवर्स रिपोर्टिंग अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो वैक्सीन को लेकर के राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन को लेकर के भी अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश की थी, उनके मुंह पर इस वैक्सीन की सफलता ने एक तमाचा चढ़ा।